हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.3 से क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड आज मेनी रुपीज आज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर हमको स्टूडेंट कितने हैं क्लास में वो फाइंड आउट करना है, पर क्लास में कितने पैसे दिए गए हैं वो पता है, कितने बच्चे हैं और पर हेड कितने दिए गए हैं वो किसी को नहीं पता। पर यहाँ पर ई स्टूडेंट डोनेटेड आज मेनी रुपीज आज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो पर हेड के हिसाब से वो 20 रुपये दिए होंगे। 40 बच्चे हैं तो 40 रुपये भी दिए होंगे। 15 बच्चे हैं तो 15 रुपीज भी दिए होंगे। उतना ही हमको पता है, तो उसी में से हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। यहां पर हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता, तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स। क्यों? क्योंकि ईच स्टूडेंट डोनेटेड आज मेनी रुपीज आज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब आप वो क्लास के अंदर जितने भी बच्चे होंगे, जितने नंबर ऑफ बच्चे होंगे, मतलब 15 बच्चे हैं तो 15 रुपए पर हेड के हिसाब से वो दिए होंगे। पर टोटल हमारा 2401 है, ठीक है। तो अगर हम लेट करेंगे स्टूडेंट को, लेट करेंगे उनके रुपीज को, नंबर ऑफ कितने रुपीज देंगे, नंबर ऑफ रुपीज इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 2401 है। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 एंड एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401, करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्स हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने वो पैसे दिए हैं, करेक्ट। तो अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे 2401 को, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से। देखो ये तो 2 पे नहीं जाएगा फर्स्ट, तो इसको हम ऐड करेंगे, डिजिट को सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 6 + 1 = 7, ये 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके 1's प्लेस में 5 नहीं है, तो 7 पे जाएंगे। 7 पे कट करते हैं, 7 अगेन 7 पे चेक करते हैं, सेवन सेवन और ये 7 ये 1, तो आ गया हमारा आंसर x इक्वल टू, इसके अंदर हमको क्या लिखना है ये सारे नंबर्स को, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाले हैं, 7 × 7 = 7 × 7। अभी फाइनली हमको क्या आना है, 7 × 7 जो कि 49 है। तो पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास आर 49 आंसर। खाली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लिखे, तो नंबर ऑफ रुपीस के अगर पूछे जाते तो 49 रुपीस पर हेड के हिसाब से वो दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको 2 गिवन है कि नंबर ऑफ रुपीस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारा 2025 है, पर लेट पहले हमको क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स एंड सेम टू सेम जितने रो होंगे उतने नंबर ऑफ प्लांट्स है। तो अगर 10 रो बनाया है, 10 रो है तो ये जो रो पे ना, मतलब फर्स्ट नंबर पे 10 प्लांट होंगे, इस हिसाब से 10 प्लांट यहां होंगे, इसी तरह क्वेश्चन में दिए गए हैं, जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो पे है। तो लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, देन नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू एक्स इंप्लाइज, मतलब एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन के हिसाब से 2025 है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारा 2025 है। तो ये तो टोटल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रोज में प्लांट्स है, देखो एक्स स्क्वायर 2025, नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो ये जो 2025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे। पहले फर्स्ट रूल हमारा 3 पे आ रहा है कि नहीं, 2 पे तो नहीं आएगा, 3 पे आ रहा है कि नहीं,
टू टू फोर प्लस फाइव नाइन है तो थ्री पे आ जाएगा, थ्री पे आएगा तो थ्री सिक्स जा एटीन, टू सेवन ट्वेंटी वन फाइव, थ्री सॉरी सिक्स सेवन फाइव। अगेन चेक करेंगे थ्री पे आएगा कि नहीं, एटीन थ्री पे आएगा, तो अगेन चेक करते हैं टू और ये टू देन फाइव, अगेन चेक करते हैं फोर प्लस फाइव थ्री पे आएगा तो ये हो गया हमारा सेवेंटी फाइव, सेवेंटी फाइव थ्री पे आ जाएगा। नेक्स्ट ये थ्री पे नहीं आएगा, अभी फाइव पे आएगा, फाइव फाइव सा अगेन फाइव वन करेक्ट, उसको हम इसके अंदर लिख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव। ओके तो फर्स्ट फर्स्ट सॉरी नेक्स्ट थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव, एक्स का वैल्यू कितना, थ्री थ्री जा नाइन फाइव फोर्टी फाइव। तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोज है एक्स जो कि फोर्टी फाइव है, नंबर ऑफ प्लांट्स वो भी फोर्टी फाइव है, तो एक रो पे फोर्टी फाइव प्लांट्स लगाया गया है करेक्ट, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू फोर्टी फाइव एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव, जो कि हमारा फाइनल आंसर करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।